गन्ना तो मीठा है, पर क्या है ना कि ये सोपते वाला है ना, इसलिए मजा नहीं आता, ऐसा लग रहा है रुई दबा रहे हैं। एकदम कतई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चिल्ड पानी है भाई, तो बड़ा मजा आ रहा है। छोटी नदी है बहुत ज्यादा, जब यहाँ पर पानी भर जाता है ना तो वो वहां तक भर जाता है पूरा। बहुत हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं आ गया हूँ अपनी नानी के यहाँ पर। तो आज हम जा रहे हैं ना खाने, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है, देख रहे हो आप लोग, और इसीलिए हम उतर गए हैं। बाइक से जा रहे हैं, वैसे काफी दूर है जो हम नदी पे जा रहे हैं ना। छोटी नदी है, एक बड़ी नदी, बड़ी नदी का आप लोग ब्लॉग देख चुके हो, और जो नई छोटी नदी है अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये देख रहे हो मच्छी कैसे ढूंढ रहा है, मिली इसमें नहीं होगी यार। और हम लोग साथ में ना एक छोटा सा आटे का गोल लेकर आए, ताकि हम लोग वहाँ मच्छी जो नदी है ना वहाँ पर देखेंगे थोड़ी थोड़ी डाल के, क्या अगर हम लोगों को मिलेगी मच्छी। घूमने के लिए निकल आए यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हो बहुत ज्यादा गन्ने हैं, और आज हम लोग आए अपनी नानी के यहाँ गन्ने खाने के लिए। बाइक के लिए हम लोगों ने मना भी किया था भाई से, पर बाइक बोला चलो बाइक से ही चलते हैं, थोड़ा दूर है, तो हमने कहा पैदल चले। मैंने नहीं यार बाइक, चलो मैंने बाइक ही ले लो यार, तो बाइक से हम आ गए हैं। तो अभी आगे बने रहो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ईखे हैं जिसमें गन्ने हम लोग खाने के मिलेंगे बहुत ज्यादा। आज गन्ने का मौसम भी है, मतलब टाइम भी चल रहा है इस समय गन्ने का, तो हम लोग खाएंगे गन्ने। चलो और रोड दिखाओ ना, वो कैसे कैसे रोड है, ये देख रहे हो कितना खतरनाक रोड चल रहा है भाई, देख रहे हो दोस्तों। यहाँ पर ऐसे रोड आते हैं ऑफ रोड जिसमें बहुत मजा आता है सच में यार। और आज हम इस ब्लॉग में करने वाले हैं फुल मस्ती एंजॉय, और अभी हम नदी में भी चलेंगे, नदी में मस्ती करेंगे बहुत बढ़िया से। और ये देख रहे हो भाई, ये दोनों मेरे ममेरे हैं, जो जब भी आता हूँ तो यही दोनों मिलते हैं, और हम लोग तीन बैठे भाई, यहाँ कोई चेकिंग करने वाला भी नहीं मिलेगा आगे बिना हेलमेट के। अच्छा खेतों वाला इलाका है ना, यहाँ पर वैसे एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है, सुकून बहुत मिलता है यहाँ पर। तो बाइक से हम लोग बहुत जल्दी आ गए, पैदल आते ना तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता, लेकिन अभी हम लोग रास्ते में ही होते वहीं पर रोक ले, रोक ले रोक ले भाई, रोक ले, अरे रोक तो ले यार, उधर कोई पंछी है यार, कहाँ ले, अरे कहो भाई रुक जा रुक जा, अबे रोक ले, देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर ये है नदी जो कि छोटी नदी है, जब यहाँ पर पानी भर जाता है ना तो वो वहां तक भर जाता है पूरा। बहुत ही मजा आता है दोस्तों यहाँ पर, और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पानी काफी कम है जिसकी वजह से हम लोग घुस सकते हैं इसमें। ओ शक्तिमान मत बन देख रहे हो कितनी काई है यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग जहरी वाली सब काई है एक। तो भाई चलो भाई अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। भाई वो लेके आया आटे का, मतलब आटा लेके आया है गोल, जिसमें वो डालेगा तो मच्छी पकड़ेंगे अगर आई तो। कांटा यहाँ रख के गया, अच्छा देखे तो कोई कुतर गया हो या वैसे ही कुतर गया होगा, यहाँ की भाषा भाई साहब बहुत तगड़ी, कुतर गया होगा। अबे उधर क्या हिल गया भाई जंगल में ही भाई साहब, मुझे तो बहुत ही मजा आता है जंगल में, कहीं भी ले जाओ किसी जंगल में घुमाने के लिए भाई, बड़ा मजा आता है यार। यहाँ पर अभी मुझे कुछ ऐसा लगा कि पानी में गया था, अच्छा वो चिड़िया थी, वो जल मुर्गी थी शायद, है हाँ जल मुर्गी थी भाई, इसी चक्कर में। अपना वाला खेत किधर है, अपना वाला खेत जो सामने एक है, तो गन्ना कहाँ मिलेगा खाने के लिए भाई, गन्ना तो खाने आए हैं, तोड़ ले जब तक यार, गन्ना खाते हैं यार भाई लोगों। अंदर चलते हैं, अंदर से बढ़िया से निकाल के लिए भाई, मैं भी चल रहा हूँ अंदर वैसे। और यहाँ पर ना अंदर सेफ्टी बहुत बरतना पड़ती है, ये दिख रहा है आपको, ये सब चेहरा काट देता है, हाथ पर काट देता है, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई लोगों इसमें, इसलिए ध्यान से कभी भी जाएँ तो आप लोग हमेशा ध्यान से जाएँ। देखो यहाँ पर कितने गन्ने हैं, और हम लोगों को ना पताई छुटाई की, ये पताई बोलते हैं भाई इसको, छुटा कर देखना पड़ता है गन्ना कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं है। तो फिलहाल अब ये चलते हैं, अरे सब हालत खराब हो जाती है अंदर आने के बाद में भाई लोग, है हरा हरा बढ़िया से निकाली एकदम, कत्ते कड़क सा मीठा सा हो यार भाई लोग, बहुत सारे से देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है वो आप लोगों ने टिंडे देखे, टिंडे वो उसी टाइप के मिलते हैं भाई, ये टिंडे बस, ये टिंडे नहीं है, खा भी नहीं सकते, ये नुकसान बहुत देगा। और यहाँ पर एक पेड़ भी है यार ऊपर देख रहे हो, मतलब खाना चालू देख रहे हो, अच्छा सोपता है देखो, है मीठा पर गन्ना देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये गन्ने के अंदर ना जो बीच में सोपता होता है, इस वजह से ना गन्ना खाने में मजा नहीं आता है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम लोग ये खाली गन्ना तो मीठा है, पर क्या है ना कि ये सोपते वाला है ना, इसलिए मजा नहीं आता, ऐसा लग रहा है रुई दबा रहे हैं, बारिश भाग निकला है, कोई फायदा नहीं हुआ ये इसमें,
क्योंकि इसका गन्ना अच्छा नहीं है, आगे वाली कोई ईद देखते हैं उसमें गन्ना खाएंगे। अपनी बाइक देखो कहाँ खड़ी कर रखी है, नौलक का ये वाला गन्ना कौन सा, टेढ़ी पेड़ी पेड़ी ये पेड़ी गन्ना इसलिए अच्छा नहीं है। वो वाला मिल जाए जो खोया 85 वाला का, मजा आ गया, किसी ने नहीं करा इस बार यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो ये लाटा भी होया गया है, जो हम लोग सरसों का साग खाते हैं वो यही है भाई लोगों, देख लो देख लो, सरसों का साग है ये। जब बड़े हो जाएंगे इसी में से तेल के लिए वो निकलती, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, क्या लाटा, लाटा खर निकलती है, ऑयल बनता है वो इसी के बीज से बनता है दोस्तों, जो हम लोग तेल खाते हैं उसको, सही है। चलो भाई अब आगे चल रहे हैं यहाँ से, वो मच्छी मारन बैठा है, वो अपना कांटा यहाँ रख गया था कहीं साइड से, पता नहीं कोई और ले गया तोड़ गया जो भी था उसका, अब वो ढूंढ रहा है। हम लोग तो इधर चले गए गन्ना खाने के लिए, हम जा रहे हैं आगे वाली ईख में, सामने वाली में देखते हैं इसमें गन्ना कैसा है। पेड़ ने जकड़ रखा है दूसरे पेड़ों ने गन्नों को। चलो भाई अंदर देख के आए कैसा मामला है यहाँ पर भी। ओए होए होए, हाथों में खुजली मचने लगी भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अरे वाह, ओफो क्या गन्ना मिला भाई को यार, पकड़ो इधर तो उठा भाई, ओफो क्या गन्ना मिला है, मजा आ गया इस गन्ने में तो भाई, था नहीं खा लेता हूँ इतना यार। बहुत मीठा यार सच में, एक और तोड़ ला वो, अगर वो अभी फाइन ले तो नमस्कार है भाई साहब, निकल गया एक गन्ना तोड़ने के लिए, इतनी मेहनत करनी पड़ी है पर मजा आएगा, वो आराम से बैठ के खाते हैं दोस्त। तो अभी गन्ना लेने के बाद दोस्तों अब खा लेते हैं। दोस्तों गन्ना खा लिया, बड़ा मजा आया भाई लोगों, अब चलते हैं थोड़ा सा पानी में एंजॉय, यहाँ से चलते हैं अब नीचे, चप्पल पहले यहीं उतार दें। वाह, और ये बहुत चिल्ड पानी है रे बाबा, नहा ली ना तो, अरे बहुत चिल्ड पानी है भाई। अच्छी मच्छी दिख रही, देखो छोटी छोटी मच्छी दिख रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं। चलते हैं हम और आगे के लिए, थोड़ा सा एक आगे है जो हमारा बचपन, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत नहाए थे, बहुत इंजॉय किया था अपने बचपन में, यहाँ बहुत रहा हूँ मैं अपनी नानी के यहाँ पर। देख रहा हूँ यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है, देख रहा हूँ सही है मेरे भाई, देखो कहाँ चढ़ गया है, देख रहा हूँ ये खतरों के खिलाड़ी, टूट ना जाता है ना फिर मत कहना। ये बेचारा निराश हो गया, मछली मारने आया था एक भी नहीं मिली, खाली जो आटा लेकर आया वो मछलियों खिला दिया सुकून से बस, अब भाई गन्ना खा रहा है। मैं यहाँ पर लगभग लगभग 3-4 साल बाद 5 साल बाद आया हूँ अभी यहाँ पर, जो मैं यहाँ अभी रहता था कभी कभी नहाने गया, तो यहाँ पर ना बहुत ही मज़ा आता था, यहाँ पे यहाँ आते थे नहाने के लिए, बहुत ही इंजॉय करते थे हम सारे लोग, बड़ा मज़ा आता था। बट यहाँ पर है अब बहुत ही घना जंगल, यहीं रोक ले यहीं खड़ी कर ले, अरे इतना तो कुछ होना है लला, जब बहुत कम हो गई है, बीच में देखी है बहुत गहरी लग रही है तो है। अरे कट्टा पड़ा है, क्या पड़ा है वो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर कितना जंगल ही जंगल, अभी यहाँ पेड़ नहीं होते थे, ये सब पहाड़ी इलाका सा लगता है बिल्कुल, अब ये पेड़ वगैरह बहुत हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं था पहले पेड़, और यहाँ ये सब नदी का रेता निकलता है यहाँ पर, अब मट्टी हो गई वरना बहुत चौड़ी सी बहुत बढ़िया थी जब हम आते थे यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब घास है कहाँ लगा भैया, जो घर की बड़ी नदी में। अच्छा रुक जी मैं भी चल रहा हूँ भाई, मुझे पानी के अंदर घास में बहुत डर लगता है भाई लोगों, अरे इधर तो रबड़ी है कैसा भागा है, नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, चलते चलो उधर ही, ना गहरा नहीं गहरा, और यहाँ की जो घास है ना ये देख रहे हो कितनी साफ सुथरी भाई साहब, ये इसी से सेहरा बनेगा मेरा वैसे हाथ पैर धोने का मन कर रहा है भाई लोगो, ओहो एकदम कहते ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चिल्ड पानी है भाई का, बड़ा मजा आ रहा है मुझे यार, अरे गहरा ये क्या है ये, यहाँ पर कुछ मन तो कर रहा है नहा लूं, गोते नहा लूं, पर नहाऊंगा नहीं
तो भाई दोस्तों अब चलते हैं घर के लिए, बहुत देर हो गई। और ये देख रहे हो आप लोगों ने देखी होंगी बिलैया जिसको बोलते हैं, ऐसे मारो चिपक जाती, ऐसे बालों में चिपक जाती। ये देख रहे हो देखिए आंध में अगर टेक्स निकल गया हुआ बच्चा है, बच जाएंगे कुछ। अरे सही बताइए है पक्का है कितनी कितनी बड़ी है? अरे जे दे उठा इसको, उठा से पैदा वाली हूँ कहाँ है? गड्ढा पानी देख रहे, देख रहे हो दोस्तों ये है छोटी छोटी मछली। ओ जवाली उठा तो एक जे डाल दी पानी में डाल दे यार, ला बुटक है ये सब बुटक है आज मर गई ऐसे लग रहा। पानी में डाल दो सब लेने, वो पानी उधर देखा अभी यार, अभी दिखाते हैं दोस्तों इसमें पानी डाल। अब मैं ये तो नीचे कैसे जाऊँ? अरे यहीं से छोड़ दो। अरे यार छोड़ दो यहीं से। अरे बच गई एक जो है और एक अंदर है। देख रहे दोस्तों इतनी इतनी छोटी छोटी मछली थी, वो बहुत जिद्दी था उसने भाई साहब मच्छी दिखा के ही माना और पकड़ के ही माना वो, बट बड़ी नहीं थी। यहाँ से अभी 4-5 दिन पहले ही लगभग शायद कितनी ले गया, थोड़ी ले गया, इसलिए पकड़ने का खाने का शौक नहीं है। क्यों भाई ना शौक है, बस शौक रहता है कि यार मच्छी पकड़ेंगे, खाने का शौक नहीं है। और इधर पकड़ने का शौक नहीं है, इधर खाने का शौक बहुत है भाई साहब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू।